चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करिए। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, जिसमें सत्यापित कीजिए हमें कहा गया है। यहाँ देख लीजिए, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz, ये फॉर्मूला है हमारा। ये क्या है, अब देखिए यहाँ 3 घात है तो यहाँ पर कोई घात नहीं आएगी, सिंपल यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। आगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ये फॉर्मूला है हमारा। हम एबीसी में हमने ये फॉर्मूला किया है, लेकिन हम इसे एक्स वाई जेड में भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, ये देखिए ए माइनस या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने हैं इस सम में। तो हम करना स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड हम पहले ले लेंगे सम की, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह आ गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही हमने उतार दिया। यहाँ अब हमारा फॉर्मूला इसमें लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, अब इसमें लगेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब इसमें लगेगा फॉर्मूला जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब देखिए सारे में 2 इनमें पूरा ये सॉल्व हो गया है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है, तो ये आ गया हमारा 2x2। वाई स्क्वायर भी यहाँ पर देखिए ये और ये 2 बार है, तो ये आ गया 2y2। और जेड स्क्वायर भी हमारा 2 बार है, तो 2z2 आ गया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ गया हमारा। अब इसमें हमारा 2 कॉमन है, सारी जगह 2 है तो 2 बाहर निकाल लिया, अंदर यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 2 इससे कट गया। अब आप यहाँ पर ये देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बिल्कुल ये है। तो ये किसके बराबर होगा, इस साइड के एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz, और ये आ जाती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा सम सॉल्व हो गया है। 5 का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, जिसमें एक्स वाई जेड यदि 0 के इक्वल है तो हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले ले लेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम निकालेंगे z के इक्वल, क्योंकि ये हम राइट साइड ले गए। अब हम दोनों और घन ले लेंगे, दोनों और घन लेने पर, हमने घन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए घन है सबके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब घन ले लिया हमने। अब हमने यहाँ घन ले लिया तो घन का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई का क्यूब, क्यूब है यहाँ पर तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आता ही है जब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्यूब होता है। आगे ये आ जाएगा हमारा प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई,
हमने ये वाला इसलिए लिया है सम, ताकि x प्लस वाई में हम z की ये वैल्यू लिख सके। तो हमें ये ही वाला फॉर्मूला लेना है इसका। तो ये आ जाता है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड का क्यूब। अब देखिए ये जो ये है ना, इसकी वैल्यू किसकी किसके बराबर है, ये है हमारा माइनस जेड के बराबर। यहाँ पर है लिखा हुआ हमने x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3xy, इसकी वैल्यू z के इक्वल आ गई और ये आ गया माइनस जेड की घात 3। अब यहाँ देखिए ये जो ये है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड है और इसको हम राइट साइड ले आएंगे। हमारा ये माइनस जेड है जिसको ब्रैकेट में माइनस जेड लिखेंगे, तो ये आ गया एक्स की 3 प्लस वाई की 3 माइनस 3xyz बराबर है माइनस जेड का क्यूब। अब हम ये जेड इधर ले आएंगे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, माइनस जेड इधर गया तो प्लस जेड का क्यूब आ गया, बराबर है ये इधर माइनस 3xyz, इधर आ गया राइट साइड 3xyz। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, हमारा ये आंसर निकल गया है। सम से हमें ये पता चलता है कि जब xyz 0 के बराबर होता है तो x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 3xyz के बराबर होता है। अब इस समय हमें कहा गया है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसे x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे और इसे हम z मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कर लेते हैं -12 प्लस 7 प्लस 5, इन दोनों में ये प्लस के हैं ये माइनस के, -12 और ये आ गया +12, आ गया ये 0 के बराबर। अभी हमने लास्ट सम में किया कि जब एक्स वाई जेड 0 के बराबर होता है तो x की घात 3, y की 3, z की 3 3xyz के बराबर होता है। तो इसी तरह से हम निकालेंगे आगे कि x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 बराबर है 3xyz के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 को हम 3 बार करते हैं, -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, ये लिख दिया हमने x की 3, y की 3, z की 3 बराबर है किसके, 3, x है -12, y है 7 और z है 5। इन तीनों को हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इतना और ये हमारा आंसर है। जब भी आप गुना करें आपने इस बात का ध्यान रख लेना है कि इसमें सबसे पहले किसको गुना करना है, -12 और 5 को करेंगे क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, 60 और 7 21। अब इसको आसानी से आप गुना कर सकते हैं, 21 को 60 से करिए, साइड में ये 0 आ गई, 6 कम 6 6 दूनी 12। इस तरह से हम गुना बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है जिसको गुना करके 0 आ रहा है उसे आपने पहले गुना करना है। इस वाले सम में भी हम पहले ऐसा कर लेंगे, इसका मान निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल लेंगे हम, 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 5 और 3 8 और ये आ गया 28, ये भी 0 के बराबर। आपको पता है कि जब एक्स वाई जेड 0 के बराबर होता है तो x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 किसके बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होता है 3xyz के बराबर, ये इसके बराबर होता है। कब, जब x प्लस y प्लस z 0 के बराबर होता है तो ये इसके बराबर होता है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 28 की घात 3 प्लस माइनस 15 की घात 3 प्लस माइनस 13 की घात 3 किसके बराबर है, 3
गुना 28 गुना माइनस 15 गुना माइनस 13। अब हम इन सारे को गुना कर लेंगे और ये आ गया हमारा 16380। ये हमारा आंसर आ गया है।